Hello, bonjour. So today we're going to learn how to understand imperative sentences. So imperative sentences को समझने के लिए पहले आप उसको उर्दू में इस तरह समझें, ऐसे जुमले जिनके अंदर हम कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं कि ये काम करो, सजेशन देते हैं. ठीक है, ये तो समझ आ गया ना आपको. जी. अच्छा, अब देखें, ये चूंकि इससे पहले हम रिफ्लेक्सिव वर्ब कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करवाऊंगा. रिफ्लेक्सिव वर्ब कर रहे थे तो लिहाजा इसमें जो इम्पेरेटिव में रिफ्लेक्सिव वर्ब भी मतलब मौजूद है, यानी इम्पेरेटिव में रिफ्लेक्सिव वर्ब को भी इम्पेरेटिव करना सीखेंगे उनको. सो नॉर्मल वर्ब की हम पहले मिसाल लेते हैं. मिसाल के तौर पर गैस्ते, गैस्ते इज वन ऑफ द वर्ब विच मीन्स टू स्टे. ठीक है, स्टे यानी रुकना. सो रेगुलर वर्ब है. सो रेगुलर वर्ब के लिए इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा मोहसिन, बताएं. इसके अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा. आर आर का एडिशन करना पड़ेगा, आई शुड से. ठीक है ना. सो वो गेस्टे हो जाएगा, रेगुलर वर्ब. अब ये इम्पेरेटिव है. इम्पेरेटिव बेसिकली, इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट हम नहीं लिखते, हम कभी भी यूं नहीं बोलेंगे त्यू गेस्ट. ठीक है, त्यू गेस्ट बोल सकते हैं, बट जब हमें कुछ ज्यादा फोकस करना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं यू डू दिस, फोकस ज्यादा करवाना. नॉर्मल लैंग्वेज में गेस्टे, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सो यानी ट्यू गेस्ट नहीं है. तो ये थर्ड पर्सन को, फर्स्ट सेकंड पर्सन को अक्वेस्ट किया गया है, यानी स्टे, यानी ट्यू वाली फॉर्म को. उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ती है और हम ये कहते हैं कि लेट्स स्टे, सो लेट्स स्टे के लिए हम गेस्टों इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर दो बंदे बात कर रहे हैं और कहें यार हमें रुकना चाहिए, तो या हमें ठहरना चाहिए, तो फ्रेंच में वो बोलेंगे गेस्टों, तो उसको ऑटोमेटिकली इंग्लिश में मीनिंग होगा लेट्स स्टे. इज इट क्लियर टू यू? जी. ठीक है जी. और ये जो गेस्ट है ये आपका वु की फॉर्म के लिए, यानी यू स्टे पोलाइट फॉर्म में. सो चूंकि सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है इंपेरेटिव में, तो लिहाजा हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, हमने सब सिंपली गेस्ट है का, यानी स्टे. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल वर्ब को. अब मिसाल के तौर पर नॉर्मल वर्ब की कोई भी फॉर्म है, आपने कहना है वॉच, तो किस तरह बोलेंगे ये फ्रेंच में? रिगार्डे. सो सिंपल, रिगार्डे. मैं आपको वर्ड फाइल दिखा रहा हूँ और वर्ड फाइल में आप ये, अब ठीक है, आपको अगर मिसाल के तौर पे आपको बोलना है जी स्पीक, बोलो सिंपल, किस तरह बोलेंगे? हाँ, पागले. सो लेट मी एक्चुअली राइट दिस दिस वर्ड. ठीक है, सो अगर आप वर्ड फाइल के ऊपर हैं तो यू कैन सी दैट आई एम गोइंग टू राइट दिस वर्ड, पागले, PARLEZ, पागले. अब इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, इसका मतलब स्पीक बोलिए. ठीक है, बट आप किसी को बोल रहे हैं कि बोलिए, किसी को मुखातिब करके बोल रहे हैं. ठीक है, अगर और इसके रेगुलर वर्ब आपको पता है, इसका जो रेगुलर वर्ब है, यानी इसका जो पूरा इन्फिनिटिव वर्ब है, वो इस तरह लिखा जाता है, टू स्पीक. ठीक है जी, तो रिगार्डे का इसी तरह, रिगार्डे का. अब इसी पागले को आपने किसको का पोलाइट वे में, अपने सामने वाले को का. अब अगर मिसाल के तौर पे अपने दोस्त को बोल रहे हैं तो आप सिंपल इस तरह भी बोल सकते हैं, पागल, विदाउट ईजेड. यहाँ पर भी सब्जेक्ट अंडर स्टूड है, मीनिंग क्या होगा? स्पीक, बोल, जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं बोल. ठीक है, हम कभी भी यानी ऐसे आदमी को जिसकी हम इज्जत करना चाहें, उसको ये कभी नहीं बोलेंगे बोल, हम बोलेंगे बोलिए. तो जो ऊपर वाला था वो था बोलिए, नीचे वाला बोल. ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप जो है दोनों, दो बंदे हैं, अली और हसन है, और आप कह रहे जा रहे हैं कि हमें बात करनी चाहिए, तो यानी लेट्स स्पीक फ्रेंच, तो आप इस तरह आप लिखेंगे PARL, पागलों फोन से. तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब हो जाएगा लेट्स स्पीक फ्रेंच. डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो स्पीक फ्रेंच. इस तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं. तो मैं दोबारा आपको बुक पे लेके जाता हूँ और अब मैं बताता हूँ कि देखिए जी यहाँ हमने कौन कौन से किस सेंस में इम्पेरेटिव. तो ये तीनों सेंस में इम्पेरेटिव हैं. ठीक है, उसके बाद इम्पेरेटिव नेगेटिव, यानी ऐसे जुमले जिसके अंदर हम हुक्म कर रहे हैं मगर किसी चीज को रोकने का, मना करने का. आ रहा है समझ में? मिसाल के तौर पे मतलब हाँ रोक, मिसाल के तौर पे डोंट लीव. अब डोंट लीव में हमने क्या, ये फ्रेंच में का ने पाख पा, डोंट लीव. ठीक है, ये सामने मैंने हाईलाइट कर दिया, ने पाख पा मीन्स डोंट लीव, जाओ मत. ठीक है, कौन नहीं जाए, इसका मतलब आपके सामने जो बंदा खड़ा हुआ नहीं जाए. तो उसके बाद ने पाख तो पा, डोंट, लेट्स नॉट लीव. अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, यानी हम लोगों को नहीं जाना चाहिए. उसके बाद आप
सिंपल वे में किसी को समझा रहे हैं इज्जत के साथ, ने पाखते बा डोंट लीव बट यू आर रिस्पेक्टफुल. सो इज इट आई मीन क्लियर नाउ अप टू हियर, यहाँ तक क्लियर हो गए? ठीक है, तो ये कौन सा वर्ब था मुझे बताइए, रिफ्लेक्सिव वर्ब का इंपेरेटिव था ये पोर्शन या नॉर्मल इन्फिनेटिव वर्ब्स का इंपेरेटिव था? नॉर्मल का इंपेरेटिव. वेल डन वेल डन. अब देखें, अब हम रिफ्लेक्सिव वर्ब का जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, तो रिफ्लेक्सिव वर्ब में हम जानते हैं कि उसके अंदर हम सब्जेक्ट के साथ उसका प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, थोड़ा सा एक इजाफी चीज होती है. तो अब मैं अगर उसको दिखाना चाहूँ वर्ड फाइल पे आपको रिफ्रेश करने के लिए, तो दोबारा से मैं वर्ड फाइल पे जाना होगा. और मैंने थोड़ा सा अभी मैंने लिखा था रिफ्लेक्सिव वर्ब, ये देखें ये पोर्शन आप देखें, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ ये देखें, अब इसके अंदर देखें ज के साथ हम हर दफा सब्जेक्ट के साथ उनके प्रोनाउन म त स नू और एसी या एस अपोस्ट्रोफी रिफ्लेक्सिव वर्ब में इस्तेमाल करते हैं. तो लिहाजा इस वजह से जब हम रिफ्लेक्सिव वर्ब का इम्पेरेटिव करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, आगे तो जो है उसका थोड़ा सा चेंज करते हैं. अब देखें देपेश तुआ, अब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब था, सो देपेशे वर्ब है. ऊपर मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ इस वर्ब को आपको दिखाने के लिए, तो आप ये देखें यहाँ, कैन यू सी दिस मैन इज रनिंग फास्टली, ठीक है ना? तो इसमें देपेशे ये वर्ब लिखा हुआ, यानी अगर मैं इस वर्ब को यूज करता हूँ इम्पेरेटिव में तो मुझे से की वजह से थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा और देपेश तुआ बोलना होगा. अब इसका यूज किसा, मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और उसको कह रहे हैं जल्दी कर जल्दी कर, तो आप बोलेंगे देपेश तुआ, ठीक है? और अगर आप हम आपस में यानी दोनों के लिए बात कर रहे हैं तो बोलेंगे यार लेट्स डू यू नो लेट्स हरी अप, तो आप बोलेंगे देपेश नो. और अगर आप इज्जत से बोलेंगे देपेशे गु मस्यू. आ रहा समझ में? तो हम ये चीज ये सर्टेन चेंजेस करेंगे. अब तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव इंपेरेटिव, अब ये हो गया नेगेटिव, अब होने जा रहा है नेगेटिव रिफ्लेक्सिव इंपेरेटिव. यानी आप नेगेटिव किसी काम को मना कर रहे हैं और मना करते हुए आप जो है रिफ्लेक्सिव वर्ब के जरिए मना कर रहे हैं, और तो किस तरह होगा ने तेरे पुष्पा. अब मिसाल के तौर पर आपको किसी को मना करना है आराम मत कर, तो आप बोलेंगे ने तेरे पुष्पा डोंट टेक रेस्ट, ठीक है? और अगर आप पहाड़ी पर हैं कहीं खतरनाक जगह पे, आप कहना चाह रहे हैं हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें स्टे नहीं करना चाहिए, ये आराम नहीं करना चाहिए, तो आप बोलेंगे नेनू के पोसों पा, हमें रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? तो अब ये हुआ, चूंकि ये थोड़ी सी ग्रामेटिकल ये वह कॉम्प्लिकेशन है या चीज़ है, तो हम इसलिए थोड़ा सा इसको समझा रहा हूँ मैं आपको. उसे उसके बाद अगर आपको पोलाइट वे में ये जुमला अदा करना है किसी को समझाने के लिए, तो आप बोलेंगे नेबू है पोजे पा इस, ठीक है? तो ये एक कंडीशन थी इम्पेरेटिव फॉर्म की. अच्छा, अब एक इम्पेरेटिव का आपको मैंने सारा बता दिया कि इन किन सब्जेक्ट के साथ जुड़ते हैं, ठीक है? यानी ये पहला वाला त्यू के साथ है, दूसरा वाला नू के साथ है, और तीसरा वाला वू के साथ है, ठीक है? अब देखें ये, हाँ, स्पेशल वर्ब अगर एथ को आपने इम्पेरेटिव में अदा करना है, वैसे इफ यू रिकॉल एथ, तो एथ क्या है, जेसुई क्यू ए ई ए के नू सम वू ज़े ती रेल सम. याद है एथ किस तरह, एथ का क्या मतलब है, ठीक है? याद है आपको एथ? जसुई पढ़े मेरे साथ, जसुई जसुई क्यू ए एल ए नूसम नूसम वुजेत वुजेत इलेलसों इलेलसों. तो ये तो रिफ्लेक्सिव था मिसाल के तौर पे, सॉरी ये था एथ वर्ब था और नॉर्मल फॉर्म. सो अब मिसाल के तौर पे आपको कहना है कि आई एम कैनेडियन, तो आप क्या बोलेंगे, जसुई कैनेडियन I'm Canadian, ठीक है? तो ये वर्ब इस तरह इस्तेमाल होता है, मगर इसका इम्पेरेटिव बनेगा थोड़ा सा चेंज. अब मुझे ये कहना है कि किसी को कोई बच्चा शरारती है, उसको मुझे ये कहना है कि बी जेंटल, तो मैं इस तरह फ्रेंच बोलूंगा, इसको यूं कर दूंगा, क्योंकि वर्ब वही है, तो उसको बी में कन्वर्ट करना है और इम्पेरेटिव भी बोलना है, तो मैं बोलूंगा स्वजोति लिसी बी जेंटल हियर, ठीक है? उसके बाद स्वयों ज्योति, ये आपको किसी को कहना है कि टाइम पर आओ, तो आप इस तरह बोल सकते हैं सुअलो मिस्यू, ठीक है? या स्वाइलो बी ऑन टाइम, तो अब ये एक एडवाइस कर रहे हैं और वर्ब आपने एथ इस्तेमाल की, क्योंकि स्पेशल केस है इन्होंने लिया था, इस वर्ब को इन्होंने दिया हुआ, तो सुअ जोंतील यानी बी जेंटील, स्वाइयो जोंतील लेट्स बी जेंटील स्वाइये जोंती. उसके बाद इसी का वही मतलब सेकेंड कॉलम में आ जाए, इम्पेरेटिव
नेगेटिव और रिफ्लेक्सिव, तीनों चीजें इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी। सो सारा निस, नेगेटिव से हाँ, मतलब होता निस्वपाप खैसे, ठीक है, यानी जल्दी मत करो, जल्दबाज मत बनो। निस्वायुपाप खैसे शुड नॉट बी हरी, निस्वायुपाप खैसे, खैसे बेसिकली फ्रेंच में कहते हैं जल्दी करने को। अब इसको और थोड़ा सा हम इस कैप्शन से समझ लें। यू कैन सी टू मैन आर हाइकिंग ऑन द माउंटेन एंड दे आर सेइंग, ओह दे आर सेइंग अगेतो नो, लेट्स स्टे हियर अ मोमो, एक मिनट। तो अब ये जो ऊपर वाला है ये कह रहा है रेपोस्तुआ टेक रेस्ट ने स्वपा बेथ डू नॉट बी फुलिश। तो ये फतीगे, आर यू टायर्ड, यानी जो है उससे पूछ रहा है कि आर यू टायर्ड, डू नॉट टेक रेस्ट वगैरह। तो हम इस तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप इट शुड बी क्लियर बाय नाउ अप टू ऑल द रिफ्लेक्सिव सेंटेंसेस, जी। ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर एंड सी व्हाट वी कैन डू फर्दर।